वेलकम फ्रेंड्स, आरबी मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आज सीख लेते हैं एक आसान सा सोशल मीडिया एड डिजाइन। उसके लिए मैटर मैंने पहले से टाइप करके नहीं रखा है, बल्कि जो पिछला डिजाइन किया था उसी मैटर का यूज करेंगे जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि ये जो गोल स्टिकर है इसके CDR फाइल और जो डिजाइन करेंगे उसके CDR फाइल, यानी इन दोनों के CDR फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप CDR फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। न्यू पेज इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं स्टिकर को अनग्रुप करके रखा हुआ है। इन सभी मैटर को पेज से बाहर कर लेते हैं। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल को मैं बिल्कुल वर्गाकार में ड्रॉ कर रहा हूँ कंट्रोल की प्रेस करते हुए। कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इंसर्ट करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे, पेज के सेंटर में चला जाता है। अब इसमें हम मैटर सेट करेंगे। सबसे पहले मैं फोटो को राइट साइड में यहाँ पर सेट कर देता हूँ, इसकी साइज और बढ़ा देंगे फुल में। उसके बाद में क्या करना है, टूल्स में जाएं, फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन में यहां से ड्रॉ कर रहा हूं और यहां तक। इसको थोड़ा सा और बॉटम साइड में लाएंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस हैंडल से मैं, इस हैंडल नहीं बल्कि इस एरो की से मैं बॉटम साइड में ड्रॉ कर रहा हूं, लगभग इतना। उसके बाद इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे और यहां से इसको हम मिरर कर देंगे वर्टिकल, और इस लाइन को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा सर के ऊपर ही रखेंगे इसको और थोड़ा सा इसको टॉप साइड में ले जाएंगे इस एरो से। उसके बाद जस्ट इसी का एक डुप्लीकेट मैं बॉटम साइड में यहाँ पर कर लेता हूँ। अब इतना सेट करने के बाद इस फोटो को कंट्रोल एक्स कर लेंगे। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पार्ट को फिल कर देते हैं और फिर इस पार्ट को। अब इन लाइनों को डिलीट कर देंगे यहाँ से। डिलीट नहीं बल्कि इसको भी हमें स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करना है। इस लाइन को डिलीट करेंगे और यहाँ पर स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करेंगे। अब मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। लाइन डिलीट करने के बाद इसमें हम फोटो सेट करेंगे, तो फोटो को कंट्रोल V से पेस्ट कर लेंगे और इसी में हम इसको पावर क्लिप कर देते हैं। इसकी साइज थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड। उसके बाद टूल्स में जाएं, एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेंगे। इसके कॉर्नर को मैं राउंड कर देता हूं सेप टूल का इस्तेमाल करके। अब ये जो लाइन है इसी के अनुसार इसको हम रोटेट करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस रोटेशन हैंडल से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसकी साइज थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। इसमें फिल करेंगे सियान कलर, कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे और इसमें मिक्स कर देते हैं मेजेंटा 70% और थोड़ा सा बॉटम साइड में लाएंगे और इसी का जस्ट एक डुप्लीकेट करेंगे और इसमें मैं फिल कर देता हूँ ग्रे कलर। कंट्रोल के साथ इसको करेंगे पेज डाउन, इन दोनों के आउटलाइन में कर देता हूँ नन। और ये जो बॉटम साइड का यानी जो बैक साइड का रेक्टेंगल है इसके मोड को चाहे तो चेंज कर ले, तो मैं चेंज कर लेता हूँ। टूल्स में जाएं और यहाँ से सेलेक्ट करें ट्रांसपेरेंसी टूल, प्रॉपर्टी वाले में जाएं और नॉर्मल की जगह कर लें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जैसे आप करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अब इन दोनों को ग्रुप करेंगे कंट्रोल G के साथ और इसी रेक्टेंगल में हम इसको कर देते हैं पावर क्लिप। तो इस पर राइट क्लिक करें और पावर क्लिप इनसाइड। पावर क्लिप करने के बाद इन दोनों को भी इसी में पावर क्लिप कर देते हैं, तो इस पर राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड, इसको बैक में कर लेंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ फेस डाउन। इसका कलर मैं कर देता हूँ केसरिया, थोड़ा सा और लाइट करेंगे। तो कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 40% और येलो भी चाहे तो कम कर लें, इसको 90 कर देते हैं। और इसी सेम कलर को इसमें भी फिल कर देते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फंक्शन से ड्रैग एंड ड्रॉ करके इसमें छोड़ देते हैं, कलर कॉपी हो जाता है। इसके आउटलाइन रन करेंगे और ये जो फोटो का रेक्टेंगल फ्रंट में आ गया है इसको हमें बैक में करना है, तो इसको भी पावर क्लिप में कर देते हैं और शिफ्ट के साथ करेंगे पेज डाउन। उसके बाद इन सभी मैटर को हम इसी में सेट कर लेते हैं। तो ये जो शुभकामना संदेश है इसको मैं सियान वाले बैकग्राउंड में सेट करता हूँ। इस मैटर को 2 से 3 लाइन में हम सेट कर लेते हैं। 9 वर्ष से मैं इंटर कर देता हूँ। उसके बाद गणतंत्र दिवस से भी इंटर करेंगे। अब इन तीनों को सेंटर कर लेते हैं, तो कंट्रोल के साथ E प्रेस करेंगे सेंटर हो जाता है। इसमें मैं फिल करता हूँ व्हाइट कलर और हार्दिक शुभकामनाएं भी इसी में सेट कर लेते हैं। इसकी साइज और बढ़ा देंगे। फॉन्ट चाहे तो आप इसका चेंज कर लें, इसके फॉन्ट भी चेंज करेंगे। ये फॉन्ट मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, इसको भी 2 लाइन में सेट करेंगे और कीबोर्ड से F10 प्रेस करें या फिर सेव टूल सेलेक्ट करें और इसके स्पेस कम कर लें। इसमें मैं फिल कर देता हूँ येलो कलर
और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे, सेंटर हो जाता है। की की साइज थोड़ी सी और मैं बढ़ा देता हूँ। इसमें ड्रॉप शैडो का यूज़ कर लेते हैं हार्दिक शुभकामनाएं में। तो टूल्स में जाएं और यहाँ से सेलेक्ट करें ड्रॉप शैडो टूल, सिंपली बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, इसके ओपासिटी में कर देता हूँ 50 के आसपास और फेदरिंग को करता हूँ 5। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको कंट्रोल के से करेंगे ब्रेक ए पार्ट, और ये जो फ्लैग है फ्लैग को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, इसकी साइज और बढ़ा लेंगे। इसी रेक्टेंगल में हम इसको पावर क्लिप करेंगे, तो पहले इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, उसके बाद पावर क्लिप के अंदर जाएंगे। ये रेक्टेंगल में पावर क्लिप है, तो इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, तो आप पावर क्लिप के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद इसको अनग्रुप करेंगे, अब इसमें हम पावर क्लिप करते हैं। तो फ्लैग को मैं कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देता हूं। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड। अब मैं कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करता हूँ, तो ये फिनिश हो जाता है। उसके बाद इन सभी मैटर को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, इसकी साइज और छोटी करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैटर सेट करने के बाद फोटो के बैक साइड में एक बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, जो मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया है और कंट्रोल वी के साथ यहां पर पेस्ट कर दे रहे हैं। अब इस बैकग्राउंड को हम इसी में पावर क्लिप कर देते हैं। उससे पहले इसका जो कलर है इसको मैं कर देता हूँ ग्रे। तो इसको सिलेक्ट रखते हुए बिटमैप में जाएंगे मोड के अंतर्गत, और यहाँ पर कर देंगे ग्रे स्केल। अब मैं इसको इसी में पावर क्लिप कर देता हूँ, तो ये जो फोटो है ऑलरेडी पावर क्लिप के अंदर है। तो क्या करें, इसको कंट्रोल एक्स कर लें, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, पावर क्लिप में आप पहुँच जाते हैं, और फिर फोटो को यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर लेंगे, और फिर शिफ्ट के साथ करेंगे पेस्ट डाउन। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इसका बैकग्राउंड मिल जाता है। ये जो बैकग्राउंड मैंने सेट किया है, इसके ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को सेट कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, और यहाँ पर मैं कंट्रास्ट और बढ़ा देता हूँ, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करते हैं, और फिर ओके कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से एक आसान सा सोशल मीडिया ऐड डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब इसी का डुप्लीकेट करते हैं, इसमें थोड़ा सा इससे डिफरेंट कलर फिल करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से जी प्रेस करें, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सियान 60% और मेजेंटा 100% करते हैं। 60 नहीं बल्कि इसको 50% कर लेते हैं, 50 नहीं बल्कि इसको मैं करता हूँ 50 ना 60, इसको मैं कर लेता हूँ 75। फोटो का कलर इस बार मैं कर देता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और बिटमैप में जाएंगे, यहाँ से मैं कर देता हूँ ग्रे स्केल। इसके ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल पी, और ब्राइटनेस मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से एक आसान सा सोशल मीडिया ऐड डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए हैं। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।